वहीं पुनित सागर स्वच्छता अभियान के तहत एनसीसी कैडेटों ने चलाया जागरूकता अभियान। सेक्टर 2 तालाब अयप्पा मंदिर के पीछे व्यापक स्वच्छता अभियान चलाकर फैली गंदगी को हटाया गया। कल्याण महाविद्यालय भिलाई नगर के छात्र एनसीसी सैनिकों ने दूसरे दिन भी सेक्टर 2 तालाब अयप्पा मंदिर के पीछे व्यापक स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया। लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कुमार कश्यप ने बताया कि सेक्टर 2 तालाब बहुत ज्यादा गंदगी से भरा हुआ है व उसके आसपास भी पूजा सामग्री जो कि ठंडी करने के लिए आते हैं उनके कारण गंदगी फैली हुई है। गंदगी को देखते हुए एनसीसी कैडेटों ने सेक्टर 2 मार्केट में अधिकतम दुकानों में जाकर लोगों को पानी स्वच्छ क्यों रखना है, उसमें प्लास्टिक क्यों नहीं डालना है, किसी प्रकार का कचरा क्यों नहीं डालना है, इसकी जानकारियां दी। इस बीच जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। अयप्पा मंदिर के जनरल सेक्रेटरी उन्नी कृष्णा कुरूप से भी संपर्क कर मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं उनमें भी जागरूकता लाने निवेदन किया गया। इसी कड़ी में सेक्टर 6 साईं मंदिर सी मार्केट गद्दा तकिया बाजार व मस्जिद के पीछे बहने वाले नाले के आसपास जितने दुकानदार हैं उनको भी नाले में कचरे न डालने के निवेदन किया गया। गौरतलब है कि कचरों से होने वाली गंदगी व उससे होने वाले दुष्परिणाम बीमारियों आदि की जानकारियां एनसीसी कैडेटों के द्वारा दी गई। यह अभियान 37 CC बटालियन एनसीसी दुर्ग के कमान अधिकारी कर्नल हेमंत दुबे एवं लेफ्टिनेंट कर्नल आर सेतु माधवन के निर्देशानुसार व प्राचार्य डॉक्टर RP अग्रवाल व प्राचार्य डॉक्टर NS पटेल की प्रेरणा से किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।